हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला छाछ। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने 250 ग्राम के लगभग दही लिया है, ये भुना हुआ जीरा है, ये सादा नमक लिया है और ये मैंने सेंधा नमक और कुछ आइस क्यूब्स। अब मैं आपको बना के बताती हूँ। ये मैंने मिक्सी का ग्राइंडर लिया है, इसमें मैं इस दही को डाल दूंगी। अभी जो हमने आइस क्यूब्स लिए हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो जितनी आपको जरूरत हो, जितनी आप ठंडी चाहिए आपको छाछ, उतनी ही इसमें डालिए। अभी हम डालेंगे भुना वाला जीरा। ये जीरा बहुत ही अच्छा होता है, गर्मियों में लस्सी में डाल के जीरा खाना चाहिए, क्योंकि जीरे की जो तासीर होती है वो भुने हुए की वो ठंडी होती है और लस्सी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैं सादा नमक डालूंगी। आप ऑप्शनल है, आप सादा नमक भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। थोड़ा डाल दूंगी मैं ये, क्योंकि मेरे को खाता नहीं है सेंधा नमक, इसलिए। ये मैंने डाल दिया, मैं आपको ग्राइंड करके बताती हूँ। ये देखिए हमारी छाछ है वो बनके तैयार हो गई है, ये मैं आपको इसमें डाल के बताती हूँ। ये देखिए हमारी मसाला छाछ है वो बनके तैयार है। अभी हमने थोड़ा भुना हुआ जीरा जो जिसको मैंने ग्राइंड नहीं किया था वो रखा है, वो हम इसके ऊपर से डाल के इसको गार्निश कर देंगे। ये छाछ बनके तैयार है। अगर आपको ये मेरी छाछ की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।